हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को अगर डेली की क्लासेस चाहिए, अभी बेसिक चल रहा है, सुबह 8:30 बजे है, शाम को 7 से 8 है, ये मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे रात को 9 से 10, इसमें हम बेसिक कवर कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको स्पोकन पर ही ज़्यादा फोकस रखना है, स्पोकन प्रैक्टिस करनी है, अपनी स्किल्स को ब्रशअप करना है, थोड़ा सा और फ्रेजल वर्ब्स, एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखना है यूज़ करने के लिए, तो वो हम 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 मंडे टू फ्राइडे ये वाली क्लासेस अवेलेबल है, जिसमें आपको स्पोकन प्रैक्टिस मिलेगी, आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इनकी प्रैक्टिस हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी टॉपिक, कोई टॉपिक भी हो सकता है, कोई मैं स्क्रिप्ट लेकर आता हूँ, वो स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो उसमें हिंदी लिखी होती है एंड वी नीड टू ट्रांसलेट दैट, वो एक कॉन्वर्सेशन होती है पूरी, तो उससे आपकी स्पोकन प्रैक्टिस होती है। और वीक में एक दिन हम नॉर्मल 1-to-1 कॉन्वर्सेशन भी रखते हैं, और इंग्लिश की बुक का कोई पेज होता है वो भी हम पढ़ते हैं। तो इन सारे मेथड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वो लर्निंग्स जो होती हैं, दैट दोज लर्निंग्स विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन ऑर्डर टू मेक योर सेल्फ मोर फ्लुएंट विद इंग्लिश। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, और इस वीडियो में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है सीखने के लिए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, रिशु देख रहे हो, मम्मा ने अपनी पसंदीदा लिपस्टिक नहीं लगाई है। अब ये सेंटेंसेस आप दो तरह से बना सकते हो, नहीं लगाई है, मैंने बताया है, या है, यी है, ये है, चुका है, चुकी है, लिया है, ली है, ये सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप हैज़ नॉट का भी यूज़ कर सकते हो, कि मम्मा हैज़ नॉट वॉर्न, वेयर की थर्ड फॉर्म आ जाएगी वॉर्न, ये भी बना देंगे। ठीक है, नहीं पहनी हुई है, नहीं लगाई हुई है, इस कंडीशन को आप कॉन्टीन्यूटी में बना सकते हो। ठीक है, रिशु सी, रिशु देखो, मम्मा इज नॉट वेयरिंग, जैसे मैंने कहा कि वो सोया हुआ है, ही इज़ अस्लीप, ये भी चलेगा, ही हैज़ स्लेप्ट, ये भी चलेगा, ही इज़ स्लीपिंग, ये भी चलेगा। तो ये सिर्फ बोलने के तरीके पर डिपेंड करता है, वो सोया हुआ है, वो सो गया है, वो सो रहा है। हिंदी में तीनों में ही मैं प्रेजेंट की कंडीशन बता रहा हूँ कि वो किस कंडीशन में है। तो रिशु सी, मम्मा इज़ नॉट वेयरिंग हर फेवरेट लिपस्टिक, जब हम घर जाएंगे तब उसको ढूंढेंगे। ये सेंटेंस एक टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस है, मैंने बताया हुआ है वैन, वैन एवर या इफ़, जब, जब भी और अगर, इन तीनों सेंसेस में ही अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो वो हमारा टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस में जाता है। तो ये सेंटेंस भी क्या है, ये सेंटेंस भी आपका टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, और इसमें हम विल का यूज़ नहीं करेंगे जब वाले क्लॉज में, मतलब वैन, वैन एवर या इफ़, इन तीन के साथ। वैसे इसके अंदर और भी है कि WH वर्ड्स को के जो होते हैं, जब हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते हैं उनमें विल नहीं लगाना है, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझो कि इफ़, वैन या वैन एवर का जब आप यूज़ कर रहे हो फ्यूचर के लिए, तो उसके साथ विल मत लगाना, वो सेंटेंस आप फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेना। तो जब हम घर जाएंगे, वैन वी गो होम, वैन वी विल गो होम नहीं आएगा, वैन वी गो होम तब उसे ढूंढेंगे। तो लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब ढूंढना, वी लुक फॉर इट, ठीक है, वी विल लुक फॉर इट, तब हम उसको ढूंढेंगे। मम्मा को अपने पसंदीदा लिपस्टिक के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, अब देखो ये लगने का जब सेंस आता है, कॉपुलर में जब सेंस आता है, मैंने बोला भी है, क्लास में भी कई बार बताया हुआ है, वैसे तो मैं फील को, मतलब फील में भी ING लगाने के लिए अवॉइड करता हूँ, लेकिन लेकिन फील में ING बहुत कॉमन है, बाकी लुक, सी, सीम, इसमें तो लगाना ही नहीं है, अपीयर, इनमें तो लगाना ही नहीं है, लेकिन आजकल फील में बहुत चल रहा है तो लगा सकते हैं। सो मम्मा इज़ नॉट फीलिंग, या फिर मम्मा डजंट फील नाइस, सो मम्मा इज़ नॉट फीलिंग नाइस, मम्मा को अच्छा नहीं लग रहा है विदाउट हर फेवरेट लिपस्टिक। सेंटेंस कौन सा हुआ, सेंटेंस हुआ आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस, कि मम्मा को अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मा इज़ नॉट फीलिंग नाइस, गुड, कंफर्टेबल विदाउट हर फेवरेट लिपस्टिक, अपनी फेवरेट लिपस्टिक के बिना। देखो कौन आया है, लुक हु इज़ हेयर, एक तो सेंटेंस ये हो गया कि लुक हु हैज़ कम, ही हैज़ कम, इसको ये तो हो गई आपकी आम ज़िंदगी। अगर आपको इसको थोड़ा सा अच्छा मेंटोस ज़िंदगी में बोलना है तो आप इसको बनाइए हेयर का यूज़ करके। ठीक है, हेयर आई एम, मैं आ गया। अब आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, आप बस स्टैंड पे खड़े हो और बस का वेट कर रहे हो, वैसे तो ऑब्वियस सी बात है, बस स्टैंड पर आप बस का ही वेट करोगे। ठीक है, और आप देखते हो कि सामने से बस आ गई, तो आप क्या बोलोगे, हेयर इज़ द बस,
हेयर इट इज, ऐसे हमें बोलना है ठीक। कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, मैं वहाँ पहुँच गया, सो आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, मैं पहुँच गया हूँ, इस तरीके से हम बोलते हैं। सो लुक हु इज़ हेयर, देखो कौन आया है, देखो कौन आ गया है, लुक हु इज़ हेयर, ठीक है, देखो कौन है। ये सवाल में नहीं आएगा कि हु इज़ हेयर, आप देयर लगा दो, हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, ऐसे आप बना सकते हो। देखो हु इज़ हेयर, देखो कौन आया है, मुझे पता है तुम्हें बहुत इंतज़ार करना पड़ा, मुझे पता है, मतलब मैं जानती हूँ। ये छोटा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई डू नो, यहाँ पर डू छुपा हुआ है नो के अंदर, वरना ही नोज़, शी नोज़, उसे पता है, ऐसे। तो मुझे पता है, आई नो, तुम्हें बहुत इंतज़ार करना पड़ा। अब देखो कोई चीज़ करनी पड़ती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हैव टू डू समथिंग का यूज़ करते हैं। अगर प्रेजेंट में करनी पड़ती है, आई हैव टू डू समथिंग, इसमें एक्शन क्या है, इसमें एक्शन डू ही है, आई डू, और एक्शन है हैव टू डू, ठीक है, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें वो डू ही है, हेल्पिंग वर्ब डू है और एक्शन है हैव टू डू। अब डू छुपा हैव टू डू के अंदर, और जब डू छुपता है तो कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। अगर मान लो ही शी हो कि उसको करना पड़ता है तो क्या बनेगा, ही हैज़ टू डू। अब ये हैज़ क्या है, ये हैव टू डू के अंदर डस छुपा हुआ है, तो वो बना ही हैज़ टू डू। अगर मैं बोलूँ कि उसको नहीं करना पड़ता है तो सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, ही डज नॉट हैव टू डू, तो फिर ही के साथ हैव लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि डज तो बाहर आ गया, जिसने हैज़ बनाया हुआ था वो डज आ गया बाहर, तो सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट हैव टू डू। तो यहाँ पर सेंटेंस बना, मुझे पता था मुझे करना पड़ा, ये सेंटेंस जा रहा है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में एक्शन क्या है, हैव टू डू, और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है तो डिड छुपेगा, और डिड जब छुपेगा तो क्या होगा, एक्शन की सेकेंड फॉर्म आएगी, और यहाँ पर एक्शन क्या है, यहाँ पर एक्शन है हैव टू डू, और यहाँ पर हैव टू डू की सेकेंड फॉर्म लगेगी हैड टू डू। तो सेंटेंस क्या बना, आई नो, मुझे पता है, यू हैड टू वेट अलॉट, तुम्हें बहुत इंतज़ार करना पड़ा, ठीक है, समझ रहे हो। तो आई नो यू हैड टू डू वेट अलॉट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में लेकर बोल रही है। पता नहीं तुम अकेले ये सब कैसे मैनेज कर रही हो, पता नहीं, पता नहीं को कई तरीके से बोला जा सकता है, गॉड नोज, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक। तो सबसे कॉमन क्या है, सबसे कॉमन है आई डोंट नो, पता नहीं, मेरे को नहीं पता। तुम अकेले ये सब कैसे मैनेज कर रही हो, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। सब्जेक्ट आया, पता नहीं तुम अकेले सब कैसे मैनेज कर रही हो, यहाँ पर सवाल तो नहीं पूछ रहे हैं ना, ठीक है। अब जब सवाल अगर पूछ रहे होते कि तुम कैसे कर रही हो बताओ मुझे, तो हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब आती, हाउ आर यू मैनेजिंग। लेकिन जब सवाल नहीं पूछ रहे हैं, पता नहीं तुम कैसे मैनेज कर रही हो भाई, मैं मुझे तो नहीं पता वो कैसे कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हाउ लगाया कैसे के लिए, जैसे और कैसे दोनों के लिए हाउ का यूज़ करता है, यहाँ पर हाउ लगाया, और सेंटेंस जो बना तुम मैनेज कर रही हो ये नॉर्मल रहेगा, हाउ आर यू मैनेजिंग नहीं, हाउ यू आर मैनेजिंग। अगर सवाल होता तो तब मैं बोलता हाउ आर यू मैनेजिंग, लेकिन जब सवाल नहीं है तो सेंटेंस बनेगा हाउ यू आर मैनेजिंग इट ऑल बाय योर सेल्फ। सो आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे नहीं पता, हाउ यू आर मैनेजिंग, हाउ यू आर मैनेजिंग इट ऑल बाय योर सेल्फ। अच्छा, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इसके साथ भी छोटी सी कहानी है। कहानी ये है, आप चाहो तो इसको सेंटेंस के लास्ट में लगा दो, ठीक है, जैसे यहाँ पर लगाया हुआ है, तो अगर आप सेंटेंस के लास्ट में लगाओगे तो बाय के साथ ही लगाना पड़ेगा, बाय योर सेल्फ, बाय माई सेल्फ, बाय हिम सेल्फ, बाय हर सेल्फ, इस तरीके से। और दूसरा, आजकल जो ज़्यादा प्रचलन में है, स्पोकन में जो ज़्यादा है, वो क्या है, वो ये है कि वो सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं। जैसे मैंने ये काम खुद किया है, सो आई हैव डन दिस वर्क बाय माई सेल्फ, एक तो तरीका ये हो गया कि आई हैव डन दिस वर्क बाय माई सेल्फ, और दूसरा तरीका क्या है, बाय की जगह आई माई सेल्फ हैव डन दिस वर्क, सो आई माई सेल्फ हैव डन दिस वर्क। यार तुमने खुद ही तो मुझे बोला था, ठीक है, यू ओनली टोल्ड मी, या फिर यू टोल्ड मी बाई योर सेल्फ, या फिर यू योर सेल्फ टोल्ड मी दिस, ठीक है, तो यू के बाद योर सेल्फ लगा दिया। तो यहाँ पर सेंटेंस है, पता नहीं तुम उनके लिए सब मैनेज कैसे कर रही हो, आई डोंट नो हाउ यू आर मैनेजिंग इट ऑल बाय योर सेल्फ, या फिर कैसे बनेगा, आई डोंट नो हाउ यू योर सेल्फ आर मैनेजिंग इट ऑल। ये कितना प्यारा है श्रेया, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, ठीक है, कितना का जब सेंस आए ना, ठीक है, कितना प्यारा है, कितनी अच्छी है। आप वॉट का भी यूज़ कर सकते हो,
वॉट अ क्यूट गाय ही इज़, कि कितना प्यारा है, ठीक। या फिर आप सो का भी यूज़ कर सकते हो, ही सो क्यूट, ही इज़ सो क्यूट, कितना प्यारा है, कितना बढ़िया है, सो ही इज़ सो क्यूट श्रेया। और जब आपको स्टेट ऑफ बीइंग का सेंस मिलेगा ना, स्टेट ऑफ बीइंग का, ये कितना सुंदर है, ये कितना बड़ा है, ये कितना अच्छा है, तो वहाँ पर सो का यूज़ आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और जब आपको एक्शन के साथ मिलेगा तो एक्शन में आपको व्हाट या हाउ का सेंस ज़्यादा मिलेगा, कितनी तेज़ दौड़ता है, हाउ फास्ट ही रन्स, ठीक है, इस तरीके से। व्हाट अ रनर ही इज़, क्या बढ़िया रनर है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, व्हाट अ नाइस अरोमा इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस डिश। तो वहाँ पर व्हाट का यूज़ ज़्यादा होगा और हाउ का यूज़ ज़्यादा मिलेगा। और जब स्टेट ऑफ बीइंग की बात होगी ना, कि कितना बड़ा है, हाउ बिग, ठीक है, तो वहाँ पर ही इज़ सो बिग, वो कितना बड़ा है, ये कितना सुंदर है, ही इज़ सो ब्यूटीफुल, तो वहाँ पर सो का यूज़ ज़्यादा मिलेगा। हाउ का भी कर सकते हो, हाउ ब्यूटीफुल ही इज़, लेकिन व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉय ही इज़, तो हाउ, व्हाट और सो, तीनों का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आपको सो का सेंस मिलेगा स्टेट ऑफ बीइंग में, और एक्शन में आपको हाउ या और व्हाट का यूज़ ज़्यादा मिलेगा। तो ये कितना प्यारा है, ही इज़ सो क्यूट, हाउ क्यूट ही इज़, व्हाट अ क्यूट बेबी ही इज़, आप इसको अलग अलग तरीके से बोल सकते हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जस्ट लाइक यू, ठीक है। खूबसूरती में तो ये बिल्कुल तुम पर गया है, इसको जानते हो कैसे बनाते हैं, अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बना देना। तुम जितना चाहो उतना खेल सकते हो, ठीक है, ये जितना और उतना अभी हमने क्लास में भी कंप्लीट किया है, जितना और उतना। और मैंने अभी एक सवाल भी पूछा था यहाँ पर, मैंने सवाल पूछा था कि ये बिल्कुल सुंदरता में, खूबसूरती में तुम पर गया है, इसको भी कैसे बोलना है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। सेंटेंस ये है कि तुम जितना चाहो उतना खेल सकते हो, यू कैन प्ले, तुम खेल सकते हो जितना चाहो उतना, एज़ मच एज़ यू वॉन्ट, as much as you want। तो जब हम countable चीज़ की बात करते हैं कि तुम जितनी रोटियाँ चाहो उतनी खा सकते हो, ये है countable चीज़, रोटियाँ count करी जा सकती हैं, तो यहाँ पर आएगा as many चपातीज as you can, यहाँ पर many का use होगा। लेकिन जब चीज़ countable ना हो, कि तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो, इसको count नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आएगा as much as, जैसे यहाँ पर आया जितना तुम जितना चाहो उतना खेल सकते हो, यू कैन प्ले एज मच एज यू वॉन्ट, एज मच एज यू कैन, कुछ भी आप लगा सकते हो। अब समझ आ रहा है तुम, अब अच्छा ये इसने बोला कि अब समझ आ रहा है तुम्हें कि आज काम पर आना क्यों संभव नहीं था मेरे लिए। सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड के साथ ING मत लगा देना, सो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग, ऐसे मत लिख देना, ठीक है, कि नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग, अब तुम्हें समझ आ रहा है, अंडरस्टैंड में ING लगाकर कॉन्टिन्यू में मत बनाना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ, कि वो इंसान बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो लड़की बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तुम दोनों के बीच में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसको एक्शन में नहीं लगाते हैं, मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ऐसे नहीं बोल सकते, ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई अंडरस्टैंड। तो फिलहाल अभी सेंटेंस क्या है, अब समझ आ रहा है तुम्हें कि आज काम पर आना क्यों संभव नहीं था मेरे लिए, सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड, तो सवाल है ये, क्या तुम्हें समझ आ रहा है, अब तुम्हें समझ आ रहा है, सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाई इट वाज इम्पॉसिबल, कि क्यों मेरे लिए असंभव था, सो व्हाई इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी ऑफिस आना, अब ये जेरंड और इन्फिनिटिव में चला गया, ठीक है। कमिंग टू वर्क टुडे, ऐसे भी लगा सकते हो, सिंपल ING लगाकर भी बोलोगे तो भी सही है, और अगर आपको ING नहीं लगाना है तो टू का यूज़ कर दो। सो व्हाई इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी टू कम टू वर्क टुडे, टू कम टू वर्क टुडे, ठीक है। मैं जानती हूँ कि नौकरानी के बिना काम चलाना मुश्किल है, आई नो, मैं जानती हूँ नौकरानी के बिना काम चलाना मुश्किल है, तो ऐसा सेंटेंस जो आपके पास ज़्यादा लंबा है ना, तो उसको रिवाइज किया करो, मतलब रिवर्स कर दिया करो, कि बहुत मुश्किल है काम वाली के बिना काम चलाना। आप इसको नॉर्मल भी बना सकते हो, कि काम चलाना बहुत मुश्किल है, मतलब मैनेज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, एक मेड के बिना, ठीक। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि विदाउट मेड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज, या फिर मैनेजिंग, मैनेज करना विदाउट मेड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आप ये भी बना सकते हो कि मैनेजिंग, मैनेज करना विदाउट मेड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, या फिर इट इज़ टफ, बहुत मुश्किल है टू मैनेज, तो यहाँ पर टू क्यों लगा हुआ है, मैनेज करना, ठीक है, तो ये जेरंड फॉर्म में गया है, तो आप चाहो तो मैनेज से शुरू भी कर सकते हो, कि टू मैनेज, या फिर मैनेजिंग इज़ टफ़ विदाउट अ मेड, या फिर इट इज़ टफ़ टू मैनेज विदाउट अ मेड,
ठीक। तो ये सेंटेंस का कोई प्रॉपर वैसा नहीं है कि ऐसे ही बनेगा, आप इसको सिंपल सा शुरू भी कर सकते हो कि मैनेज करना बहुत मुश्किल है, सो मैनेजिंग या फिर टू मैनेज इज़ डिफ़िकल्ट, विदाउट मेड, विदाउट अ मेड सिंपल लगा दो, या फिर इट इज़ डिफ़िकल्ट इट इज़ टफ टू मैनेज विदाउट अ मेड, आप ऐसे लगा दो, दोनों सही है। वो पिछली वाली अच्छी थी, उसका क्या हुआ, द लास्ट वन, ये जो वाली का सेंस आता है ना वहाँ पर हम वन लगाते हैं, ये वाली, दिस वन, वो वाला, दैट वन, ठीक है। तो वो पिछली वाली, दैट लास्ट वन वॉज नाइस, वो पिछली वाली अच्छी थी। वॉट हैपन टू हर, उसका क्या हुआ, उससे क्या हुआ, वॉट हैपन्ड, हैपन में डिड छुपा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वॉट वाले सेंटेंस में देखो क्या होगा, डब्ल्यू एच आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, तो वॉट डिड, सब्जेक्ट है ही नहीं, फिर आएगा एक्शन हैपन, और डिड के तुरंत बाद अगर एक्शन आया तो डिड छुपेगा, सो वो हैपन्ड बना देगा उसको। सो वॉट हैपन टू हर, सो वॉट डिड हैपन नहीं होता है, वॉट हैपन्ड होता है। सो वॉट हैपन टू हर, सब क्या हुआ, ये कह रही है भगवान जाने काम वाली को क्या परेशानी है, ठीक है। और ये क्या हो गया, एक मिनट रुको, हाँ इसमें मैंने कुछ गलत लिख दिया, इसने लगा भगवान जाने, तो इसमें बनेगा गॉड नोज काम वाली क्या परेशानी, व्हाट्स रॉन्ग विद दीज मेड्स। अच्छा 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 मैंने पहला जो है वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो भगवान जाने के लिए गॉड नोज, मतलब भगवान ही जानता है, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट रॉन्ग नहीं है, व्हाट्स रॉन्ग विद दीज मेड्स, ये लिखने में मिस्टेक हो गई है, उसकी वजह से ही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, कोई डाउट कोई परेशानी हो तो डू लेट मी द कमेंट सेक्शन, वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए, थैंक यू।